हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेन लाइन के साथ बॉट ट्रेडिंग कैसे करें जुरदा पर। तो जो हम बॉट यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट लेवल बॉट यूज़ करेंगे, और जो बॉट के अंदर स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वो ट्रेन लाइन को हम यूज़ करेंगे कि ट्रेन लाइन से हम कमांड कैसे लगाएं और इसका कैसे यूज़ होता है पूरी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट लेवल बॉट पे ले चलता हूँ। अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बॉट को कैसे एक्टिवेट करा जाता है और क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप nextlevelbot.com पे आएंगे, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बॉट का जो प्राइस है वो 499 मंथली है, इट्स मीन 500 रुपये लगा लो। बॉट को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास API होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास बॉट का प्लान होना चाहिए जो 499 का है। तो ये एक्सटेंशन है बॉट का, आप यहाँ देखोगे तो ये बॉट का एक्सटेंशन है, इसी की वजह से बॉट चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने जुरुदा अकाउंट पे। यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ, सुबह से टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, 303 ऑर्डर लगा चुका हूँ, अलग अलग चीज़ों की टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ट्रेंड पे बात करने जा रहे हैं। तो ट्रेंड का यूज़ पहले सबसे पहले जानते हैं कैसे करना है। सपोज़ मानो कि आज शाम को आप चार पांच चार्ट में टेक्निकल करते हैं और उसमें अपनी ट्रेंड लाइन बना देते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसे एक मतलब कई जगह आपने कई चार्ट ले लिए, SBI वगैरह कुछ भी ले लिया, तो आपने ट्रेंड लाइन बना दी कि ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है, या मॉर्निंग में बना दी, जैसे भी जब भी आपने बना दी। तो आप चाहते हैं कि बॉट आपका क्या करे, जैसे मैंने ये ट्रेंड बनाया है कि यहाँ पर बाय करे, यहाँ पर सेल करे, फिर यहाँ पर बाय करे, फिर यहाँ पर सेल करे, तो इट्स मीन कि बाय सेल करता रहे। डिपेंड आप पे करता है, आप सेल बाय भी करा सकते हो, आप बाय सेल भी करा सकते हो, जिस लाइन को जोन सी कमांड देना चाहते हो वो चीज़ें वर्क करेगी। तो अभी के लिए मैं बाय सेल बता रहा हूँ, तो आपका बाय यहाँ करे, सेल यहाँ करे, फिर बाय यहाँ करे, फिर सेल यहाँ करे, इस तरीके से बॉट वर्क करे। मतलब जैसे कैंडल इस लाइन पे टच होती है तो बाय कर ले, ऊपर वाली लाइन पे टच होती है तो सेल कर दे। और एग्जांपल के लिए सपोज मानो कि हाँ, अगर बाय करता है तो एक स्टॉप लॉस भी हो, कि कहीं मार्केट ज़्यादा नीचे हो जाए, आपको ज़्यादा लॉस हो जाए, तो आप एक स्टॉप लॉस लाइन भी बना लेते हो कि अगर बाय आपका यहाँ पर करता है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपका बाय यहाँ पर करता है और मार्केट और नीचे चली जाती है तो आपके एक स्टॉप लॉस लाइन है जहां पर आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी। तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो। तो ये कैसे करा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले मैंने हॉरिजेंटल लाइन पे वीडियो बनाई थी कि हॉरिजेंटल लाइन पे नेक्स्ट लेवल बॉट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, आज मैं ट्रेंड लाइन पे बता रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नेक्स्ट लेवल बॉट का एक्सटेंशन होता है, आपको इस पे हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कोड मिलेंगे, जो कोड हमें लगाने, तो हम चाहेंगे तो मार्केट कोड लगा देंगे, ये रहा करंट मार्केट कोड। तो ये क्या करेगा, जैसे लाइन पे टच करेगा वैसे ही बाय हो जाएंगे या सेल हो जाएंगे, जो भी हम देना चाहते हैं या एग्जिट पोजीशन करना चाहते हैं, जो भी कमांड हम देंगे लाइन पे टच होते वो चीज़ हो जाएगी। पर अभी हम क्या करेंगे, हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे जिससे कि हम डेमो ट्रेडिंग ले रहे हैं। तो जैसे लाइन पे टच हो वो क्या कहते हैं, मैं अभी ये क्या है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं चार्ट को। चार्ट के अंदर मैं जो लगाऊंगा, चलो मैं बाय कोड लगा देता हूँ। तो मैं चार्ट के अंदर बाय कोड लगाऊंगा, तो मैंने यहाँ से क्या करा, यहाँ से मैंने ये परसेंटेज बाय कोड उठा लिया। आप नंबर बाय कोड भी उठा सकते हैं जिसमें परसेंटेज के बदले नंबर डलते हैं। तो मैंने परसेंटेज बाय कोड उठा लिया, कॉपी करा और यहाँ आया, सबको इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट क्लिक करा। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं जानते तो इसके ऊपर भी मैं आगे चल के वीडियो बना दूंगा, बाकी बहुत ईजी और वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वेब सॉफ्टवेयर है ये, ऐसा नहीं कि आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए, वेब सॉफ्टवेयर है। तो मैंने ये रिमूव करा। अब मैं पहले ट्रेंड लाइन देता हूँ, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन दी और दूसरी ये ट्रेंड लाइन दी। तो मैं अभी आपको एक के ऊपर ही वर्क करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको एक कमांड देंगे। तो हमने इस पर राइट क्लिक करा लाइन पे और जैसे ही एक ऑप्शन आया यहाँ पर ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन, मेरे को इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद मेरे को कंफर्म करना है, यहाँ कंडीशन लिखी है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिखा है, ये कंफर्म करना है। आप थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो आप यहाँ क्रॉसिंग अप क्रॉसिंग डाउन भी दे सकते हो, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब आप बेसिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम ट्रेंड लाइन पे कमांड देते हैं तो ओनली वंस करना होता है। हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन पे कमांड देते हैं तो ओनली वंस करना होता है। ओनली वंस का मतलब क्या होता है कि बॉट एक ही बार वर्क करेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। अगर आप ओनली वंस नहीं करते, वंस पर बार कर देते हो, जितनी बार कैंडल लाइन पर टच होगी आपकी ट्रेंड लाइन, उतनी बार आपका बॉट बाइंग की, अगर आपने कोड लगाया बाय करेगा या सेलिंग का कोड लगाया तो सेल करेगा। और ये क्लोज है सेम, वही जितनी बार टच होगा उतनी बार करेगा। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, आप मेरे पीछे की वीडियो देखोगे तो हॉरिजेंटल लाइन पे बता रखा मैंने, और जो ट्रेंड लाइन होती है ओनली वंस करना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बॉट वन टाइम वर्क करता है, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाता है, आपको फिर रीस्टार्ट करके उसे एक्टिवेट करना होता है।
तो हमने इसे ओनली वंस करा और यहाँ पर हमने अभी कोड नहीं डाला, हमने क्रिएट कर दिया खाली। तो हमारा ये बॉट का जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये ग्रीन कलर की एक कमांड आ गई, इस पर लिखा हुआ इन्फी। अच्छा, जो एक बात बताना भूल गया था, 1 मिनट लिखा हुआ है, 1 मिनट। जो हम कमांड लगा रहे हैं ना, वो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रहे हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगाओगे उसी के हिसाब से वर्क करेगी। मैंने अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लिया कि मेरे को थोड़े से ज़्यादा जल्दी है। तो अभी हमारी कमांड एक्टिवेट होगी, बस इसमें कोड नहीं डाला तो ये वर्क नहीं करेगी। तो हम कोड लेके आते हैं, हम अपने इस पे गए कोडिंग वाले उस पे, और हमने कोड कॉपी कर लिया और हम अपने इस पे गए। पहले मैं आपको वो दिखा दूँ, जेरोधा पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं है। और हम इधर गए और उसके बाद हमने ये कोड डाला। कोड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो सिंबल डाल रखा है, स्टॉक का नाम डाल रखा है, वो ACC डाल रखा है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इन्फी कर देते हैं क्योंकि हम इन्फी पे काम कर रहे हैं, नहीं तो ये ACC पे ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद हमें एक चीज़ और कर दी है कि 5% माइनस डाल रखा है कि जैसे इस पे टच हो कि 5% नीचे लगे। हम चाहे तो करंट मार्केट बाय भी डाल सकते हैं, अगर हमने बाय कोड डाल दिया ना मार्केट कोड वाला, तो हाथों हाथ बाय हो जाएगा। पर मैं आपको बाय करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ही टच हो मार्केट रेट से 2% नीचे बिट लग जाए मेरी। तो ये जैसे मैंने कोड डाल के सेव करा, इधर कोड आ गया और उसके बाद आप इधर देखोगे एक वॉच का आइकन आ गया लाइन पे। इट्स मीन कि मेरी कमांड ऑन हो गई। अब मैं इस लाइन को इधर ही रखूंगा तो कैंडल जब टच होगी, जब कमांड आएगी और हमारी बीट लग जाएगी, पर उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा और मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को उठा के कैंडल के पास ले जाता हूँ जिससे टच और कमांड आए। तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, मैं जूम कर रहा हूँ, ये लाइन के पास आ गया। मैं लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ जिससे ये टच हो, और जब भी टच होगी तो इधर अलर्ट्स आएगा, और जैसे अलर्ट्स आएगा तो हमारा बॉट वर्क करेगा। तो मैंने इसके पास ले गया, बिल्कुल ही पास ले गया। अब कैंडल ऊपर होगी, ये देखो एक अलर्ट्स आया बीप की आवाज़। ये अब हम चलते अपने उस पर, तो अगर आप यहाँ आओगे तो देखो इन्फी पे बाय ऑर्डर लग चुका है मेरा, और मार्केट रेट से 2% नीचे लग चुका है। अगर अभी हम इन्फी का रेट देखें तो करंट प्राइस चल रहा है, ये आप देख सकते हो, LTP करीबन 798 समथिंग चल रहा है, और हमारा ऑर्डर लगा है 782। तो हमारा ये बाय बिड लगी है। चाहता तो मैं इसे मार्केट ऑर्डर में भी प्लेस कर सकता था, मतलब जैसे ही कैंडल टच होती वैसे ही बाय हो जाता, अभी बिड नहीं लगती। तो ये डिपेंड हमारे कोड पे करता है कि हम कोड क्या डाल रहे हैं। तो अब देखिए फिर मैं दोबारा क्या करता हूँ, अब ये देखोगे कमांड ऑफ हो गई, ऑरेंज कलर की हो गई। इट्स मीन कि हमने जो ओनली वंस करा था, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमने ओनली वंस करा था उसकी वजह से ऑफ हो गई। तो मैं इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने स्टार्ट करा वो हो गई, सेव करा तो दोबारा से ग्रीन हो गई। अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, इस लाइन को दोबारा से टच करवाते हैं, और ये टच हुई और ये कमांड आ गई। जैसे कमांड आई अब दोबारा से चलते हैं, तो दूसरा ऑर्डर भी यहाँ पर लग चुका होगा। अब ये हम देखते हैं, दूसरा ऑर्डर भी लग गया। तो कितनी ईजली तरीके से दूसरा ऑर्डर भी लग गया। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब वो कमांड फिर से ऑफ हो गई होगी, आप देखोगे तो फिर से ऑफ हो गई। बस हमें क्या करना है, बॉट को एक्टिवेट करने के लिए इस बटन पे जाके, ये रीस्टार्ट का बटन है, इस पे क्लिक करना, फिर से हमारी रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ वर्क कहाँ करेगी, अब थोड़ा सा वो समझा दूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह सुबह आपने 4-5 चार्टों पे पैटर्न बना लिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और आपने बाय सेल के लिए डाल दिए, कमांड डाल के रख दी। तो जैसे वो कमांड आएगी ऑटोमेटिक वहाँ बाय हो जाएगा, ऊपर जाएगी, सेल हो जाएगा, जो भी मतलब आपने जिस लाइन में जोन से कमांड डाली है। जो सही तरीका डालने का वो तो यही है कि नीचे बाय हो ऊपर सेल हो, पर आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी है और किसी तरीके से काम करना चाहते हो वह भी कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैंने सुबह इस चार्ट में डाल दिया कि इधर बाय हो इधर सेल हो, मतलब इधर बाय हो ऊपर सेल हो, तो ऑटोमेटिक ऐसे करता रहेगा। बस मुझे जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मतलब जब काम कर रहा हूँगा तो मेरे को ये अलर्ट्स में दिख जाएगा कौन से अलर्ट्स मेरे एक्टिवेट है कौन से नहीं है, और मैं फ्री होके काम कर सकता हूँ। और फ्री होके मतलब मेरी पोजीशन लेके काम कर सकता हूँ, मैं 4-5 स्टॉकों में काम कर सकता हूँ, मेरे को एक पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बहुत इजी तरीका है काम करने का। और चाहूँ तो फिर मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, ये भी तो है कि हाँ कहीं ज़्यादा लॉस हो जाए बाय कर ले और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए, तो स्टॉप लॉस के लिए भी मैं लाइन लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस के अंदर जो कोड डलेगा वो सेल कोड डलेगा और कुछ नहीं डलेगा, यही लाइन है। इसमें सेम कमांड देनी है, राइट क्लिक करना है इस लाइन पर, एड अलर्ट करना है, सेम चीज़ ये रखनी है, बस इसके अंदर सेल कोड डाल देंगे तो इट्स मीन स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने सारी कोड दे रखी है, MIS ऑर्डर के लिए, ब्रैकेट ऑर्डर के लिए, कवर ऑर्डर के लिए,
सीएनसी ऑर्डर के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के आपको वन बाय वन शेयर करूंगा, और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सबके पहले मैं बेसिक क्लियर कर दूं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन पे बॉट कैसे वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।